हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एंड वाचिंग फॉर यू टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर हामी। एंड और आज की जो मेरी वीडियो है वो है क्या है, हम लोग जो ड्राइंग है यानी ऑटोकैड की जो फाइल है उसको हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसके रिलेटेड मेरी ये वीडियो है। और सबसे मेन बात जो है कि हम लोग इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट क्यों करते हैं। जब हम लोगों को प्रिंट करने होती है ड्राइंग्स को, तो उस वक्त भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें। और सेकंड, जब हम के हर एक के पास तो पीडीएफ नहीं होता यानी ऑटोकैड नहीं होता, तो इसलिए यह है कि वो पीडीएफ के ज़रिए अपने घर या किसी भी जगह की या कमर्शियल या घर जिसकी भी वो ड्राइंग्स देख सकता है, यानी किसी को समझने में आसानी होती है। तो बात करते हैं हम लोग अपने इस पीडीएफ की। तो इसमें ये हम लोगों के पास 41x32 का प्लॉट है, और इसमें हम लोगों ने 3 बेडरूम दिए हैं और एक हॉल दिया है और एक किचन, और तीनों बेडरूम्स के साथ अटैच बाथरूम्स हैं और प्लस ड्रेसिंग है। और इस घर में एक ओपनिंग किचन है और ओपन ओपन स्काई है सॉरी, और सेकंड नंबर पे है किचन। और इसमें दिया गया है एक पोर्च जिसमें आपकी गाड़ी तो खड़ी खड़ी नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन अलबत्ता के स्टेयर्स वगैरह जो है वो आपकी इधर से ही ओपन होंगी। तो ये क्लाइंट्स के मुताबिक था उसका जो प्लान है। तो चलें बात करते हैं हम लोग अपने पीडीएफ की। तो हम लोग जो पीडीएफ बनाते हैं उसके लिए हम लोग जो कमांड्स यूज़ करते हैं वो कंट्रोल पी करते हैं। और हम लोगों के पास ये पीडीएफ जो प्लॉट है वो शो हो जाता है, यानी प्लॉट मॉडल है वो शो होता है जिसके ऊपर हम लोग सेटिंग करके तो वो पीडीएफ बनाते हैं। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा पहले नंबर पे प्रीवियस प्लॉट के जो हम लोग सेटिंग करते हैं वो चीज़। और यहाँ पे जो प्रिंटर है या प्लॉटर उसका जो नेम है वो तलाश करते हैं, और हम लोगों को तो ड्राइंग से पीडीएफ में जाना है तो हम लोग ये चीज़ करेंगे। इसी के सामने अगर बात करते हैं इस चीज़ की प्लॉट स्टाइल टेबल की, तो ये हम लोग पास आता है नन में और मोनोक्राम में। हम लोग ज़्यादातर तो मोनोक्राम यूज़ करते हैं क्योंकि मोनोक्राम जो है वो ब्लैक और वाइट प्रिंट आता है, और अगर हम लोग नन की बात करते हैं तो नन में हमारे पास कलर प्रिंट आता है जो कि पीडीएफ अमूमन तौर पे कलर्स में बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग मोनोक्राम यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों की जो लेयर्स हैं वो सारी की सारी वाइट हैं, और वाइट जब पीडीएफ होगा तो उसके ऊपर अच्छी तरह से नज़र नहीं आएगी, इसलिए हम लोग मोनोक्रोम यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग प्लॉट टू फाइल। इसके बाद आते हैं हम लोग पेपर साइज़, जो हम लोगों को पेपर का साइज़ रखना है, अगर A3 का पेज रखना है या A4, लेकिन हम लोग अमूमन पीडीएफ के लिए A4 पेपर यूज़ करते हैं। और बात करते हैं इसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की, तो यहाँ पे हम लोग लिखने को 5 लिख दें, 6 लिख दें, 10 लिख दें, वो अपने हिसाब से कि हम लोग को कितनी ये चीज़ें लिखनी है, कितनी कॉपीज़ लेनी है। हम लोगों को पीडीएफ बनाना है तो उसके लिए हम लोग एक कॉपी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद वो ये प्लॉट है, इसमें हम लोग विंडो लेंगे, और ये विंडो आ गई। विंडो हम लोग लेते हैं इसकी एक प्रॉपर साइज़ के मुताबिक जो कि हम लोगों की शीट आ जाए। ये एक लैंडस्केप में है। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में फ़र्क क्या है, आप इस जगह पे चेक कीजिएगा, ये जगह पे जब मैं करता हूँ पोर्ट्रेट में, जब मैं इधर से पोर्ट्रेट करता हूँ पोर्ट्रेट करता हूँ तो इसमें आ जाएगी आपकी ये चीज़ चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में ये चीज़ चेंज हो जाएगी। और विंडो लेने के बाद हम लोगों के पास आ जाएगा अप्लाई टू लेआउट, और लेआउट करने के बाद प्रीवियस में जाते हैं तो प्रीवियस में हम लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी। अब ये चीज़ हम लोगों के पास ही है लैंडस्केप में। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में फ़र्क क्या है कि लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल जो है वो पैमाइश ज़्यादा होती है, और वर्टिकल और पोर्ट्रेट में वर्टिकल की पैमाइश ज़्यादा होती है। तो अब हम लोग इसको करते हैं प्लॉट। तो प्लॉट करने के बाद ये हम लोग की शीट जो है वो सेव हो जाएगी पीडीएफ में जाके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। तो बस यही एक चीज़ थी कि हम लोग जो है वो अपने
पीडीएफ कैसे चेक करती हैं और पीडीएफ बनाते कैसे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।